हेलो दोस्तों, स्वागत है एक स्मार्टी क्रिएटर यूट्यूब चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के 2018 इवेंट के क्वेश्चंस। तो हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे और उनके पॉसिबल आंसर्स हम लोग ढूंढेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इल्यूमिनेशन ऑफ वन लुमेन पर स्क्वायर मीटर इज कॉल्ड। तो ये तो सिंपल है, इसका होगा डी। क्या होगा? लक्स। लक्स होगा इसका डी। हमारा सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, मरकरी वेपर लैम्प गिव्स डैश लाइट। यहाँ पे मरकरी वेपर लैम्प बोल रहा है, और तो ये हो जाएगा बी, मतलब बी हो जाएगा, ग्रीनिश ब्लू लाइट देता है ये, हल्का ग्रीन और ब्लू टाइप का लाइट मरकरी वेपर लैम्प देती है, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा राइट साइड में, नियॉन ट्यूब आर वाइडली यूज फॉर। पहला एडवर्टाइजिंग, इंडोर लाइटिंग, रोड सिग्नलिंग, एयरपोर्ट लाइटिंग। इसका हो जाएगा ए, एडवर्टाइजिंग, ठीक है। इसके बाद हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है राइट हैंड साइड में, इन इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम ग्लेयर इज, फर्स्ट है मैक्सिमम, सेकेंड मिनिमम, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो देखिए, इनडायरेक्ट लाइटनिंग में ग्लेयर बहुत कम होता है, ठीक है, और इससे होता है कि हर जगह पर यूनिफॉर्म लाइट पहुंच सकता है। ग्लेयर मतलब जब, जैसे मान लीजिए आप सूरज की तरफ देखते हो तो आप अचानक, आपकी आंखें बंद हो जाती है, तो वो सूरज की रोशनी का ग्लेयर है, मतलब एक तरह का झोंका टाइप का होता है वो लाइट का, जिससे कि आपके आपका आँख पे स्ट्रेस हो। तो इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम में ग्लेयर मिनिमम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ का बी। फिफ्थ नंबर हमारा है, फ्लड लाइटनिंग इज़ नॉट यूज्ड फॉर। पहला ऑप्शन है हमारा एडवर्टाइजिंग पर्पसेस, एस्थेटिक पर्पसेस। इसका तो आंसर हो जाएगा एस्थेटिक पर्पसेस, आंसर बी, ठीक है। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, विच हीटिंग मेथड हैज़ लीडिंग पावर फैक्टर। तो यहाँ पर लीडिंग पावर फैक्टर वही होगा जहाँ पर इंडक्टेंस बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हो। पहला ऑप्शन है रेजिस्टेंस हीटिंग, दूसरा इंडक्शन हीटिंग, तीसरा डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग और आर्क हीटिंग। तो इसका हो जाएगा सी, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग, सिंपल है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ़ द फॉलोइंग मेथड ऑफ हीटिंग इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो यहाँ पर जो तीन ऑप्शंस हैं, इंडक्शन हीटिंग, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटिंग, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग और इंडक्शन हीटिंग है, ये दोनों ही फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटिंग। अगला, इन द इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस बाय। अब इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग बोल रहा है, तो यहाँ पर मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र रेडिएशन से ही टेक प्लेस होता है, मतलब रेडिएशन से ही हीट ट्रांसफ़र होता है इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगला हमारा, इन डीसी आर्क वेल्डिंग, और यहाँ पर आपको बोलना है कि किसको पॉजिटिव और किसको नेगेटिव रखा जाता है डीसी आर्क वेल्डिंग में। तो पहला, इलेक्ट्रोड इज़ मेड पॉजिटिव एंड वर्क पीस नेगेटिव। दूसरा हमारा, इलेक्ट्रोड इज़ मेड नेगेटिव एंड वर्क पीस पॉजिटिव। तीसरा हमारा, बोथ इलेक्ट्रोड एज वेल एज़ वर्क पीस आर मेड पॉजिटिव, बोथ इलेक्ट्रोड एज वेल एज़ वर्क पीस आर मेड नेगेटिव। तो ये सी और डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और जो भी डीसी आर्क वेल्डिंग होता है उसमें अधिकतर, मतलब जितना भी मैक्सिमम देखा जाए अगर कार्बन आर्क छोड़ के, तो कार्बन आर्क में भी वैसे डीसी में जहाँ भी है वो पॉजिटिव वर्क पीस को ही लिया जाता है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को लिया जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? बी। अगला क्वेश्चन हमारा 10th नंबर, हाई फ्रिक्वेंसी इंडक्शन हीटिंग इज़ यूज्ड फॉर। पहला है फेरस मेटल्स ओनली, नन फेरस मेटल्स ओनली, बोथ फेरस एंड नन फेरस मेटल्स, नन ऑफ दीज। तो इसका इसका आंसर हो जाएगा पहला, फेरस मेटल्स ओनली, हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन हीटिंग फेरस मेटल के लिए ही, ठीक है। 11th नंबर, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग यूजेस डैश इलेक्ट्रोड्स। सीम वेल्डिंग है वो डिस टाइप इलेक्ट्रोड यूज़ करता है, सही है, डिस टाइप इलेक्ट्रोड। अगला है हमारा स्पॉट वेल्डिंग, और ऑप्शन है इसका, मेक्स द वेल्ड एयर टाइट, मेक्स द वेल्ड वाटर टाइट, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर तो ये तीनों का तीनों ऑप्शन ही सही है स्पॉट वेल्डिंग के लिए।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर। एन एलिवेटर इज जनरली पावर्ड बाय ए इलेक्ट्रिक मोटर, बी मैकेनिकल इंजन, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर से ही एलिवेटर को पावर किया जाता है और ज़्यादा होता है डीसी सीरीज मोटर। अगला हमारा द मेन ड्रॉबैक ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव इज़, फर्स्ट इट इज़ कम्बरसम ड्राइव, सेकेंड इट इज़ कॉस्टलियर इन इनिशियल कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, थर्ड इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई फेलियर मेक्स द ड्राइव स्टैंड स्टिल, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक ड्राइव का मतलब ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा क्योंकि तीनों का तीनों ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे, ग्रुप ड्राइव हैज़ बिकम ऑब्सोलेट नाउडेज बिकॉज ऑफ। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ग्रुप ड्राइव क्या होता है। ग्रुप ड्राइव एक एक ही ब्रांच में बहुत सारे अलग 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 तरह के मतलब ग्रुप ऑफ मोटर्स कनेक्टेड रहे और तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रुप ड्राइव बोलेंगे। ठीक है, मतलब एक ही मोटर में मतलब बहुत सारे वर्कलोड कनेक्टेड रहे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रुप ड्राइव। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है हाई नॉइज लेवल, कंबरसम स्पीड, कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल मशीन ETC, एंड स्टॉपेज ऑफ ऑल ऑपरेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज सिंगल मोटर, सी बोथ ए एंड बी डी एन एन ऑफ दी। तो इसका क्या हो जाएगा, सी बोथ ए एंड बी, मतलब ये दोनों होगा ए और बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग रीजेनरेटिव ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर इज फर्स्ट रिवर्स कनेक्टेड टू द सप्लाई, सेकेंड मेड टू रन एज जनरेटर, थर्ड डिसकनेक्टेड फ्रॉम सप्लाई, एंड डी मेड टू स्टॉप। तो रीजेनरेटिव ब्रेकिंग ये सिंपल है, इसमें मोटर को जनरेटर के तौर पे हम लोग चला देते हैं तो ये ब्रेकिंग का काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा लेफ्ट साइड में, द मशीन हैविंग हैवी फ्लक्चुएशन ऑफ लोड इज। तो हैवी फ्लक्चुएशन ऑफ लोड में पहला ऑप्शन लैथे मशीन, दूसरा प्लानर मशीन, तीसरा पंचिंग मशीन, चौथा प्रिंटिंग मशीन। तो यहाँ पर लैथे मशीन ही होगा जिस पे सबसे ज़्यादा लोड का हैवी लोड का फ्लक्चुएशन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश चार्ज इज अप्रॉक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू मैक्सिमम डिमांड। अब ये चार्ज वो चार्ज नहीं है इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज, ये रुपया वाला चार्ज है। तो डैश चार्ज इज अप्रॉक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू मैक्सिमम डिमांड, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिक्स्ड चार्ज। ठीक है, फिक्स्ड चार्ज। अगला चलते हैं, ऑन व्हाट फैक्टर ए वेरिएबल चेंज इज बेस्ड। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, मतलब किस फैक्टर पे वेरिएबल चेंज बेस्ड है। फर्स्ट है हमारा एनर्जी कंजम्पशन, बी मैक्सिमम डिमांड, सी पीक लोड डिमांड, एंड डी ऑल ऑफ द। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, डी हो जाएगा, ये सारे के सारे फैक्टर हैं जिन पे वेरिएबल चेंज डिपेंड है। ऑन 20 नंबर का और हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या है, लो पावर फैक्टर इज़ यूजुअली नॉट ड्यू टू। अब यहाँ पर लो पावर फैक्टर है, यहाँ पर इंडक्शन फर्नेस दिया है जो कि होगा नहीं। ठीक है, डी पॉइंट किया हुआ है यहाँ पर, मगर यहाँ पर से हो जाएगा सी इनकैंडेसेंट लैंप। ठीक है, फर्स्ट है हमारा डिस्चार्ज लैंप, दूसरा आर्क लैंप, तीसरा इनकैंडेसेंट लैंप, एंड फोर्थ इंडक्शन फर्नेस। तो यहाँ पर सी हो जाएगा हमारा इनकैंडेसेंट लैंप। और यहाँ पर हम सब्जेक्टिव पर नहीं जाएंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप लोग को सब्जेक्टिव का वीडियो चाहिए तो आप लोग ज़रूर मैसेज कीजिएगा, तो हम लोग कोशिश करेंगे उसका भी आप लोगों को देने का। ठीक है।